जिस भी बंदे को चॉकलेट पसंद हो ना उसको तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। ये स्पाइसी सॉस गार्लिक चिली सब कुछ रहता होगा इसमें। Hi guys, तुमने डिसाइड फ्रॉम वेजी बाजी। और जैसा आपको पता ही है ट्रैवलिंग बाजी डेली व्लॉग्स अगर आप देखते हैं तो हम लोग कुछ टाइम पहले सूरत गए थे और विंटर सीजन में सूरत की स्पेशलिटी खाई थी, आज वो देखेंगे और सूरत के बहुत क्रेजी जायके देखेंगे। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आइए शुरू करते हैं। अभी हम लोग सूरत से मुंबई जा रहे हैं और बीच हाईवे में एक रैंडम स्पॉट पे रुके हुए हैं और एक विंटर स्पेशल चीज खा रहे हैं जो सिर्फ सूरत के आसपास ही मिलती है। इसको कहते हैं उबाड़ी। बेसिकली ये जो आग जल रही है ना उसके नीचे एक क्ले पॉट का वेसल है और उसके अंदर जो है जो वेजीज है वो बारबेक्यू हो रही है, रोस्ट हो रही है, तो उसका काफी स्मोकी सा टेक्सचर आता है और इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। ऊपर का जो कितना टाइम लगता है काका बनने में, इसको टाइम लगता है आधा घंटा। आधा घंटा सर्दियों सर्दियों में मिलता है ये। हाँ। ये वाला पक गया क्या? हाँ, अभी इसको खोल रहे हैं, वो वाला अभी चढ़ा है शायद। हाँ। काफी सर्दियों वाली चीज है। ओ एकदम सेक के साथ में बनते बनते देखो इसको और पैक करवा के लेके जाओ सूरत में। एक तो पोंक वड़ा और दूसरा क्या बोलते हैं इसको, उबड़ियू। उबड़ियू हाँ, हमारे सूरत के दोस्तों ने बोला था खा के जरूर जाना, सर्दियों की चीजें बाद में मिलती नहीं है, सर्दियों में ही मिलेगा, सीजन में आया ना। और दूसरा क्या, आप दूसरे रास्ते से निकले जहाँ से आपको होटल से लिया ना, तुरंत निकालता तो आपको नीरा पिला के लेके जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो नीरा तो मिलता है ना। हाँ, नीरा तो उधर महाराष्ट्र में भी मिलता है। मजा नहीं आएगा यहाँ खाने पीने में, गुजरात जैसी मजा कहीं नहीं आएगा। अच्छा, ये लिख के रख लेना। अच्छा हाँ। हमारे दोस्तों ने बोला था सूरत के कि एक पाड़ियू और एक पोंक वड़ा। पोंक वड़ा पोंक तो खाया होगा, पोंक तो खाया, ग्रीन कलर का। हाँ, पोंक तो खाया, वो सीजन में है ना, अभी सीजन है, अभी सीजन है। ये वाला निकल ही रहा है, मैंने बोला कच्चा जुआर रहता है ना। हाँ, कच्चा जुआर रहता है, उसको बाफ के देते हैं, उसको बाफ के देते हैं आग के अंदर ही भून के, हाँ मार मार के। ये वाला अभी निकल ही रहा है, इसको गरम गरम खाएंगे ना। खाते किसके साथ है इसको, खाते किसके साथ है, ऐसे ही खाते हैं चालू छे। हाँ सवार। हाँ, ये रोस्ट वेजीज। अच्छा, इसके अंदर सब कुछ रहेगा, पर्पल याम, स्वीट पोटैटो, फलाना डिमकाना और ये दैट वियर्ड थिंग जो पूरे गुजरात में मिलती है बट हमें नहीं पता जिसका नाम, देसी आदमामा। इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आलू सकरिया, ये पापड़ी है, पापड़ी बोलते हैं। हाँ, इसको पापड़ी बोलते हैं। अच्छा, वो सब्जी नहीं बनता है घर में। हाँ हाँ हाँ, पापड़ी वाल। हाँ, अब निकला है ये। अच्छा, इसमें वेजिटेबल ऐसी कोने तक रहती है। हाँ, ये खुला, ये स्मोक वेजीज है। अच्छा, ये अब इसमें ट्रांसफर होगा। हाँ भाई साहब, रस्टिक बारबेक्यू। यस, लोकल बारबेक्यू, बढ़िया, एकदम विंटरी डिश है ये, मतलब विंटरी डिश। ये इसके इस सीजन के अलावा नहीं मिलेगी ये, और ये यही मिलती है सूरत में, मिलेगी बाहर नहीं मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी, ठीक है ना, तो ट्राई तो करना चाहिए ना। वेरी एक्साइटेड गाइस, आइए ट्राई करते हैं सूरती फेमस उबाड़ियू विंटर बारबेक्यू डिश। काफी अलग सा कॉन्सेप्ट है। ओह, बड़ा गर्म है यार, हाथ में नहीं आ रहा ना। ये मतलब हॉट पोटैटो बोलते हैं ना, डोंट टच इट, इट्स ए हॉट पोटैटो। वेरी नाइस, वेरी यम्मी। इसका थोड़ा सेक सेक भी आ रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ, रस्टिक सा टेस्ट है और उसके साथ छाछ वगैरह लो, पेयर करो, सर्दियों की फुल वाइब्स आएगी। अब वापस चलते हैं, जायका और दिखाते हैं आपको। प्रभु भाई चालू करो, इसमें पत्ता गोभी, लीले प्याज, धनिया, बीट, नींबू। अभी पूरा बल्क में बना रहे हो, क्या टाइमिंग क्या रहते हैं आपके? 3 बजे से 10 बजे से। 3 से 10। और ये एड्रेस क्या पड़ता है इसका? ये अड़ाजा सूरत, प्राइम मार्केट। प्राइम मार्केट, प्राइम मार्केट। वेजीज वगैरह रहती है सारी, स्पाइसी रहेगा। क्या रेट है? 20 रुपए। 20 रुपए। मैंने सुना यहाँ पे जितना स्पाइसी बोलोगे उतना बन जाता है। हाँ, हाँ तो आप एक फुल स्पाइसी बना देना, बढ़िया वाला स्पाइसी। खा पाए तो खा लेंगे।
तो ये पत्ता गोभी का भेल है। हाँ पत्ता गोभी, हाँ जैसे मूरी रहता है वैसे इसमें पत्ता गोभी है। कितने टाइम से बना रहे हैं? ये तो हो गए 9-10। स्टार्टिंग से यही बना रहे हैं? कैसे आइडिया कैसे है, मतलब थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है ना ये? हाँ कैसे मतलब क्लिक करा कि ऐसे बनाए भेल आज? वो तो भैया जान। अच्छा भैया ने चालू करा। ये कितना प्लेट लग रहा होगा अभी? लग रहा होगा 15-20 प्लेट। 15-20 प्लेट। ये स्पाइसी सॉस है। और ये क्या? केचप? टोमेटो केचप। ये सेव है तो? नहीं मूरी मूरी। सेव है। सेव है नूडल। अच्छा सेव है, मोटा लग रहा है ना? मोटा सेव है। इसको क्या बोलते हैं मोटे सेव को? नूडल। नूडल नूडल जो बोलो वो। चाइनीज वेल है ना तो नूडल बोल रहे हैं, तो समझ रहा हूँ। ग्राहक अपने जो भी कुछ भी बोल सकते हैं। जो ग्राहक ने बोल दिया वो आज से नाम हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभु गुज्जर। हाँ प्रभु लाल गुज्जर। प्रभु लाल भाई स्पाइसी है सब इसलिए पता चल रहा है। और क्या रुपये रेट है इसका? 20 रुपये। ये लगे चाइनीज वेल। हाँ भाई सिंपल भाई खाते हैं चाइनीज भेल, जिसके अंदर पत्ता गोभी का बेस लिया, जिसके अंदर मुरी नहीं है, इसके अंदर सेव डाला हुआ है और सेव को बोला हुआ है नूडल्स, बिकॉज जो कस्टमर ने बोल दिया आज से वही नाम हो गया। और बहुत स्पाइसी बनता है ये। चाइनीज भेल है ना तो शेजवान डाला हुआ है, तगड़ा तगड़ा बट टेस्टी है। नूडल्स का क्रंच आ रहा है, बीटरूट पत्ता गोभी वगैरह। नूडल्स का क्रंच कहाँ से आ गया? नूडल्स सेव है ना। ओहो समझे नहीं आप, मतलब जब बन भी रहा था ना वो उसका मिर्ची आंखों में लग रही थी है ना, खतरनाक लेवल स्पाइसी है पर टेस्टी है, अलग चीज़ है। मतलब ये ना नॉट समथिंग जो आप डेली खा सकते हो, बट ये हेल्दी है बट स्पाइसी है। तो अगर आपको ये खाना है तो भैया को एंजॉय करोगे आप? भैया मेक वेरी 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 लाइट स्पाइसी है, तो भैया ऐसा स्पाइसी बनाएंगे आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करोगे। दिस शुड बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन। लोग खा रहे देख मजे से, सब खा रहे वही तो कह रहा हूँ, दिस शुड बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन फ्रेंड्स। तू ज़्यादा तीखा खाएगा, तू तीखा खाएगा, मेरा तो मुंह चल रहा है बहुत स्पाइसी था। अरे उसके साथ में एक्स्ट्रा स्पाइसी लेते हैं ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, यहाँ का टेस्ट ऐसा ही है। इधर ये स्पाइसी है, अगली बार आएंगे तो याद करेंगे। ठीक है चलो ओके यार, टेक केयर टेक केयर भाई। लोग यहाँ पे स्पाइसी के साथ एक्स्ट्रा स्पाइसी ले रहे हैं, डरावना है भाई। आपको दिखा रहे हैं सूरत की बड़ी फेमस डिश है, इसको बोलते हैं कोको। थिक शेक कोको। क्या मतलब फारूक भाई कैसे रहता है ये? ये सर एक वन टाइप ऑफ चॉकलेट ड्रिंक है। अच्छा तो यहाँ पे हमारे वहाँ सूरत में बनता है, इसको बोलते हैं कोल्ड कोको। कोल्ड कोको। हाँ तो ये अभी आइस चल रहा है, इसमें आइस चल रहा है, वो गर्म रहता है। ओके और वो थिक रहता है, इसमें हम आइस डालते हैं तो ठंडा करते हैं और उसको थोड़ा पतला करते हैं। ये आएगा काफ़ी, इसका वेलवेटी सा सिल्की स्मूथ सा टेक्सचर है ना। तो ये कोको मतलब बेसिकली क्या इंग्रेडिएंट रहते हैं इसमें? ये चॉकलेट ड्रिंक है, इसमें चॉकलेट पाउडर डालते हैं। अच्छा और इसको दूध में बनाते हैं गर्म करके। हॉट चॉकलेट टाइप का रहता है, थिक हॉट चॉकलेट? पूरा थिक पूरा गर्म रहता है। अच्छा फिर इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आते हैं और फिर यहाँ पे बर्फ़ डालकर उसको ठंडा करते हैं। काफ़ी वेलवेटी सिल्की स्मूथ सा है, वो पूरा क्लियर रहता है, 100% वेज है वो और पूरी सफाई के साथ इसको बनाया जाता है। क्या रेट रहता है इसका? ये ग्लास का है, प्लेन कोको 60 रुपीज़ है। प्लेन कोको 60 रुपीज़। इसमें फिर वेराइटीज़ है। अच्छा जैसे आपको काजू डलवाना हो, हाँ आइसक्रीम डलवाना हो, मलाई डलवानी हो तो कौन सा वाला आप सजेस्ट करते हैं कि बंदा आए ट्राई करे पहली बार? वैसे तो पहले तो प्लेन कोको ही कोको वही रहेगा, उसमें ऊपर से काजू ऐड होगा या आइसक्रीम ऐड होगी, बस कोको वही रहेगा, बेसिक ड्रिंक जो है वो कोको ही रहेगा। और एड्रेस क्या रहता है इसका? ये चौक बाज़ार में है, चौक बाज़ार में सिल्क हाउस मार्केट के पास। ओके ये हमारा नियर अबाउट 60 साल पुराना ब्रांच है, A1 कोको के नाम से। हाँ अच्छा। हमने अभी काफ़ी रिनोवेट भी किया है इसको। आपके और भी आउटलेट्स हैं? हाँ एक आउटलेट मेरा अलाजन में है और एक कतरगाम में, और दो आउटलेट है मेरे। अच्छा LP सवानी पे और कतरगाम में है। तो ये बनके रेडी हो गया A1 कोको? ये रेडी हो गया अभी। कोल्ड कोको बोलते हैं इसको? इसको कोल्ड कोको बोलते हैं। कोल्ड कोको अभी आप मिक्सिंग कर रहे हैं सबकी? हाँ ये पूरा मिक्स हो जाएगा फिर आपको दिया जाएगा वो। अभी तो रात के टाइम पे तो बहुत गर्दी रहता है यहाँ पे। हाँ पूरा इधर भरा रहता है। आप टाइमिंग क्या रहते हैं? ये 12 बजे शुरू होता है, रात को 11 बजे तक चलता है। 12 से 11 चलता है जी सर। जिस जिस भी बंदे को चॉकलेट पसंद हो ना उसको तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। लो जी कोल्ड कोको आ गया हमारा, वेट नहीं हो रहा मिनट से।
भाई एकदम ना इसका क्रीमी सा टेक्सचर है, जैसे ठंडा ठंडा गर्मियों में मम्मी बॉलमेटा या बूस्ट या फिर हॉर्लिक्स पिलाते थे ना, हॉर्लिक्स बूस्ट बॉलमेटा, वो एकदम क्रीमी चॉकलेट वाली ड्रिंक, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। बर्फ़ डाल के एकदम बढ़िया हो चुका, उसका मज़ा आएगा एकदम तपती गर्मी में। एक फारूक भाई इसको ठीक कैसे करते हैं? तो हमारी रेसिपी ना वही, तो हमारी रेसिपी सब बता दिया तो फिर क्या करोगे, घर पे बनाने लग जाओगे तुम? तो पहले ही दुकान नहीं होते था ये, पहले नहीं होती थी दुकान ऐसे? नहीं, बहुत छोटी वैसा, बहुत क्रीमी सा, थिक सा, बढ़िया सा टेक्सचर है, एकदम बचपन के, चाइल्डहुड के, वो चॉकलेट क्या कहते थे भाई उसको, क्या कहते थे उनको जो दूध में चॉकलेट डाल के बनाते थे अलग अलग ब्रांड के? हॉट चॉकलेट नहीं, चॉकलेट प्रीमिक्स टाइप रहता था। अरे यार ये क्या होते हैं, बूस्ट, बॉलमेटा, हॉर्लिक्स, ये सब चीज़ें, माल्टोवा। हाँ अरे इनको कहते क्या है, कैटेगरी क्या होती है, जो भी फटाना टिमका ना वही चीज़ लग रही है एकदम ऐसी ठंडी वाली, बढ़िया फीलिंग दे रहा है। वीडियो को एंड करने का परफेक्ट टाइम आ चुका है, आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सूरत के मौसम में अभी तो हल्की सी ठंडक आ रही है, बट दोपहर में बहुत गर्मी रहती है, मज़े से इन्जॉय करोगे दोपहर में इसको। बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सूरती तरीके से आपको खाना दिखाएंगे एकदम फुर्ती से।